प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास अहिरवाल जी, खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह जी, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, जिला के अध्यक्ष अवनेश शाही जी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष श्री गणेश सिंह जी, महासचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ श्री राजेश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, काशी से प्रभारी महामंडलेश्वर श्री स्वभाव बाबा जी, ओलंपियन श्रीमती प्रेम माया जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कबड्डी प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस अवसर पर मैं खेल विभाग को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गत कई वर्षों से इस अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन वे यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और इसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या और युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में हो रही है। हम सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से एक पहचान दिलाता है समाज को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। उस सामर्थ्य की पहचान लगातार उनकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। टीम भावना हो और परिश्रम हो तो परिणाम हमारे पास आएंगे। यहां पर अभी मैं देखा जिस टीम के पास टीम वर्क था, बेहतर प्रबंधन था, नियमित प्रैक्टिस थी, वह लगातार अपने पॉइंट को बनाए जा रहे हैं। हर जीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हर हार भी एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, अपनी कमियों को परिमार्जन करने का एक अवसर प्रदान करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर फाइनल जो मैच हो रहा है, मैं सबसे पहले प्रतिभाग करने वाली सभी 12 टीमों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि गोरखपुर में आयोजित सभी भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की। विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, वो विजेता टीम को भी मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और जिन चारों टीमों को आज हम लोग यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भैया बहनों, आज देश खेल और खेल प्रतियोगिताओं में काफी आगे बढ़ा है। पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर खेल और खेल की गतिविधियों में बहुत तेज वृद्धि हुई है, बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं सामने, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। और उन परिणामों से आज यह देश लगातार लाभान्वित हो रहा है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की प्रतिभा करने की संख्या और देश को प्राप्त होने वाले मेडल की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें खेलो इंडिया खेलो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ
हर जिले के अंदर भी स्पोर्ट्स के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां भारत सरकार इसमें योगदान दे रही है, वही साथ ही साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश खेल की ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खेल के लिए विभूतियों ने जन्म लिया, और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में तो हमको देखने को मिला कि जितने टोटल मेडल आए हैं, पहली बार भारत ने मेडल की संख्या को 100 का आंकड़ा पार किया। 107 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए जीते, जबकि पिछले एशियन गेम्स में संख्या 70। दूसरा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश के ओर से प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया, देश की 16% आवाज उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेडल की संख्या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने इससे कई गुना अधिक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। पिछले कुछ वर्षों में खेलकूद के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है, प्रोत्साहन पैदा हुआ है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और खिलाड़ी भी इसके प्रति रुचि जागृत किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि कबड्डी को भारत की पहचान, कबड्डी के कारण हमने प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी दिए, चाहे वो संजीव कुमार हो, ब्रजेंद्र कुमार हो, सीएसपाल सिंह है, धर्मवीर सिंह है, राजेश कुमार सिंह है, धर्मवीर सिंह है, योगराज सिंह है, किरणपाल सिंह है, जितेंद्र कुमार सरगम है, राहुल चौधरी है, नितिन तोमर है, यानी इन खिलाड़ियों ने न केवल प्रदेश को बल्कि देश को भी अपनी खेल सामर्थ्य से सम्मानित किया है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये सभी खिलाड़ी लगातार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहे हैं। आज ग्रामीण लीग उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। 826 विकास खंडों में एथलेटिक्स में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, इन सभी प्रतियोगिता का आयोजन विकास खंड स्तर पर किया जाएगा, फिर जनपद स्तर पर, फिर जोन स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर। और इसके माध्यम से हम लोग लाखों खिलाड़ियों को एक मंच देंगे जो आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। और इसी के साथ हम तय भी करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में हर विकास खंड में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना पहले चरण में, हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ग्राम पंचायत को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वे गांव में ओपन जिम का, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी ओपन जिम का निर्माण अपने ग्राम प्रधान निधि से करें, और जहां पर उनके पास पैसे की कमी है शासन को लिखे। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हर ग्राम पंचायत में गठन करके उन्हें स्पोर्ट्स की उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में हम खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें, और आज इसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर खेल और अवस्थापना सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। हमारा प्रयास है हर जनपद स्तर पर एक स्टेडियम, विकास खंड स्तर पर भी एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। हमारे पास वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, और वाराणसी में बीसीसीआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम है, 83 स्टेडियम है, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है, 12 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट है, 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 67 बहुद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 12 वेटलिफ्टिंग हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 2 जूडो हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 6 शूटिंग रेंज और 42 अत्याधुनिक जिम और 16 छात्रावास और 12 डॉर्मेट्री ये प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार अन्य तरीके से भी प्रयास कर रहे हैं। मेरठ में हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में
एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर उस पर भी कार्य चल रहा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने तमाम कोचे आज के दिन पर प्रदेश में लिए हैं, जिन्हें हम 1.5 लाख रुपए महिला मानते पर उन्हें अपने खिलाड़ियों को योग्य प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों ने रखे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए भी अन्य तमाम प्रकार की प्रोत्साहन की घोषणा की है, चाहे वह एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना का कार्य हो, चाहे वह खिलाड़ियों को अन्य प्रकार से प्रोत्साहन देने का कार्य। ये सभी हम लोग युद्ध स्तर पर प्रदेश में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभा करने वाले, मेडल प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम और उन्हें पुरस्कार राशि अलग से भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, उन खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, अब तक हम लोग लगभग 500 ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के लिए, प्रदेश के लिए का गौरव बढ़ाया है, मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें हम प्रदेश में अब तक नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जो इन कार्यक्रमों के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर जब आप सभी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपने पूज्य महंत रवींद्रनाथ जी महाराज की स्मृतियों को ताजा किया है, इस अखिल भारतीय प्राइस मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में मैं एक बार फिर से विजेता टीम को बधाई देता हूँ, उप विजेता टीम को भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करने का परिणाम है कि आप लोग सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे, आज अपना मेडल प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष जो राशि इस पूरे उसमें पुरस्कार के लिए विजेता और उपविजेता और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले टीम्स के लिए मेरा खेल विभाग से एक आग्रह होगा कि इस राशि को अगले बार से हम लोग दोगुनी करा दें, जिससे खेल और खिलाड़ियों को और भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा और इन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। ग्रामीण खेलकूद लीग प्रतियोगिता का जो शुभारंभ आज हो रहा है, मेरी अपील होगी प्रदेश भर के सभी विकास खंडों में जुड़े हुए खिलाड़ियों से, 3 श्रेणियों में कार्यक्रम होने हैं, इसकी भी प्राइस अच्छी होनी चाहिए और विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, जोन स्तर पर हम उनके लिए भी सर्टिफिकेट और पुरस्कार की व्यवस्था करें, प्रदेश स्तर पर भी उनके लिए हैंडसम पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए, जिससे प्रदेश के अंदर अच्छे खिलाड़ियों की टीम आगे बढ़ सके, उन्हें प्रोत्साहित हम कर सके और उन्हें किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य को सम्मान दिलाने में अपना योगदान दे सके। एक बार फिर से आप सभी के प्रति में हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब निवेदन है तमाम टीम से जो पोडियम पर पहुंची है, सबसे पहले